गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ मनोज गुर्जर। टुडे इज अवर टॉपिक लेटरल वॉल ऑफ नोज। आज हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल ऑफ नोज। नोज की जो लेटरल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो होती है रेगुलर। ठीक है, इसमें क्या कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि क्या कोंका, कोंका की प्रेजेंस के कारण क्या इरेगुलर होती है। अब कोंका क्या होता है? कोंका होता है बोनी प्रोजेक्शन होता है, सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन। लेटरल वॉल ऑफ नोज की यदि हम स्टडी करेंगे तो कुछ जो पॉइंट है उनके अंतर्गत इसकी स्टडी करेंगे, जैसे कोंका है, मिएटस है, टर्मिनेट्स है और स्किनोएथ्रोइडल रिसेस। इन पॉइंट्स के अराउंड क्या लेटरल वॉल ऑफ नोज की स्टडी करेंगे। लेटरल वॉल ऑफ नोज नोज होती है ना, ये क्या है, बोन से भी बनती है, कार्टिलेज से भी बनती है और ये बनती है सॉफ्ट टिश्यू से, तीन से मिलकर के बनी होती है, पार्शली बोनी, पार्शली कार्टिलेजनस और पार्शली मेड अप बाय सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन और कार्टिलेज तीनों से मिलकर बनती है हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज की यदि हम स्ट्रक्चर कुछ बनाए तो एक डायग्राम से समझ सकते हैं। कुछ डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, देखो एक डायग्राम से सिंपली तरीके से हम लेटरल वॉल ऑफ नोज को समझ सकते हैं। ये क्या लेटरल वॉल ऑफ नोज है, ठीक है, इसमें क्या है टर्मिनेट होते हैं, क्या होते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट होता है एक प्रोजेक्शन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। लेटरल वॉल ऑफ जो नोज होती है उसमें तीन क्या होते हैं टर्मिनेट होते हैं। ये क्या प्रोजेक्शन है लेटरल वॉल ऑफ नोज पे, कैसे होते हैं, देखो एक टर्मिनेट होगा यहाँ पे, एक हो गया ये यहाँ पे टर्मिनेट, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे टर्मिनेट, ठीक है, एक टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक टर्मिनेट, एक यहाँ पे, क्या तीन टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टर्मिनेट होते हैं, एक होता है सुपीरियर टर्मिनेट, एक होता है मिडिल टर्मिनेट, एक होता है इंफीरियर टर्मिनेट। ये क्या देख, ये हो गया सुपीरियर टर्मिनेट, मैं इसको लिख सुपीरियर टर्मिनेट, ठीक है, सुपीरियर टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया मिडिल टर्मिनेट और ये हो गया इंफीरियर टर्मिनेट, ये हो गया इंफीरियर टर्मिनेट। ठीक है, तीन टर्मिनेट हो गए। टर्मिनेट जो होते हैं ना, इनके नीचे एक स्पेस होता है, उसे बोलते हैं मिएटस। देखो ये स्पेस है ना, ये हो गया क्या मिएटस। तीन ही मिएटस होते हैं, कौन कौन से मिएटस होते हैं, एक होगा सुपीरियर, एक होगा मिडिल और एक होगा इंफीरियर मिएटस। देखो ये हो गया, ये स्पेस है ना, ये होता है मिएटस। तो सुपीरियर मिएटस मिडिल मिएटस और एक हो गया इंफीरियर मिएटस। ठीक है, इंफीरियर मिएटस। यहां पे आज हम बात करें मिएटस की, इंफीरियर मिएटस है ना, ये वाला लार्जेस्ट होता है, ये क्या होता है लार्जेस्ट होता है, इंफीरियर मिएटस लार्जेस्ट होता है। और यहाँ पे क्या ओपन होती है, नेजोलैक्रिमल डक्ट इसमें ओपन होती है एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे इसमें नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन होगी, कहाँ पे इंफीरियर मिएटस में। और ये ओपनिंग जो होती है गार्डेड होती है बाय द लैक्रिमल फोल्ड या जिसे बोलते हैं हेसनर वाल्व। तो हेसनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होंगे, हेसनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, हेसनर वाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे में वाल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, लैक्रिमल फोर्ड जो गार्ड करते हैं किसकी, नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग को। ये हो गई इंफीरियर मिएटस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पहले इसकी बात करो सुपीरियर मिएटस की। सुपीरियर मिएटस जो होता है इसमें क्या ओपन होती है, ये रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर एथमोइडल ईयर साइनस, पोस्टीरियर एथमोइडल ईयर साइनस ओपन कहा होंगे, इसमें ओपन होंगे। ठीक है, इसमें ओपन होते हैं क्या पोस्टीरियर एथमोइडल ईयर साइनस। ठीक, ये क्या है रिसीव करता है अपनी, रिसीव ओपनिंग ऑफ कौन सी, किसकी, पोस्टीरियर एथमोइडल ईयर साइनस की ओपनिंग यहां पे क्या ये रिसीव करेगा। अब आ जाए मिडिल मिएटस पे, मिडिल मिएटस में क्या चार होते हैं, चार क्या होते हैं लैंडमार्क होते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइनस होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइट होती है साइनस ड्रेनेज की, क्या मिडिल मिएटस की हम बात कर रहे हैं। मिडिल मिएटस जो होता है
मिडिल नियर टर्म में चार क्या होते हैं लैंडमार्क होते हैं, कौन कौन से लैंडमार्क के चार देते हैं, एक तो होता है बुल्ला एच मई डोलस, एक होता है बुल्ला क्या बुल्ला एच मई डेलस, एच मोई डेलस ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है अनसीलेट प्रोसेस, अनसीलेट प्रोसेस ठीक है। बुल्ला एच मई डेलस क्या होता है राउंडेड एवेल्युएशन होता है, और अनसीलेट प्रोसेस क्या होता है सिकल शेप्ड बोन होती है कवर करती है इसको, ये तो होगा राउंडेड, ये तो होता है राउंडेड एलिवेशन, और ये होती है सिकल शेप बोन जो क्या बुल्ला एथमोइडेलस को क्या करेगी कवर करेगी। एक होता है एथमोइड एथमोइडल इनफंडिबुलम, एक होता है एथमोइडल एथमोइडल इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम ठीक है। ये क्या है, ये क्या है स्पेस होता है इन दोनों के बीच का स्पेस होता है, बुल्ला एथमोइडेलस और अनसीलेट प्रोसेस के बीच का स्पेस क्या होता है एथमोइडल एथमोइडल इनफंडिबुलम ठीक है। एक होता है हाइटस सेमी ल्यूनेरिस, एक होता है हाइटस सेमी ल्यूनेरिस, ये क्या है, ये क्या है, ये होता है सेमी सर्कुलर सर्कस होती है, सेमी सर्कुलर सर्कस है, ये क्या एक सर्कस है सेमी सर्कुलर, किसके नीचे होती है बुल्ला एथमोइडेलस के नीचे होती है, या हम बोल सकते इसके थ्रू क्या एंट्री होती है एथमोइडल इनफंडिबुलम में ठीक, एथमोइडल इनफंडिबुलम में इसके थ्रू, किसके थ्रू हाइटस सेमी ल्यूनेरिस के थ्रू एंट्री होती है, तो ये डोर हो गया एथमोइडल इनफंडिबुलम का, ये समझ में आए, ये तीनों मीटर्स की बात हो गई। इसके बाद क्या कोंका होते हैं, कोंका टर्मिनेट जो होते हैं ना टर्मिनेट में, टर्मिनेट का बोनी जो पार्ट होता है वो कोंका होता है, एक एक हम पढ़ेंगे कोंका, कोंका क्या होता है टर्मिनेट का बोनी पार्ट होता है, और ये भी क्या तीन होते हैं इंफीरियर मिडिल और सुपीरियर, ये भी तीन होंगे, एक तो होगा इंफीरियर, एक होगा मिडिल और एक होगा सुपीरियर ठीक है, तीन होते हैं ये भी। कोंका जो होते हैं ये क्या करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एक तो, और इसी के कारण क्या इरेगुलर होती है हमारी लेटरल वाल, इसमें भी इंटीरियर जो कोंका होता है ना ये होता है इंडिपेंडेंट बोन, ये क्या ये तो होता है इंडिपेंडेंट बोन, और मिडिल और सुपीरियर जो कोंका होते हैं ये क्या है ये होते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ एथमोइडल लेबिरिंथ, एथमोइडल जो लेबिरिंथ है उसकी मीडियल सरफेस का क्या होते हैं प्रोजेक्शन होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एथमोइड एथमोइडल जो बोन है एथमोइड बोन उसका पार्ट होते हैं, और इंटीरियर कोंका क्या होता है एक इंडिपेंडेंट बोन होता है, ये हो गई कोंका की बात ठीक है। मिएटस हो गया, कोंका हो गया, टर्मिनेट हो गया, एक होता है एसीआर स्पिनो एथमोइडल रिसेस, देखो यहां पे ये जो एरिया है ना ये जो एरिया ये होता है एसईआर एसीआर स्पिनो एथमोइडल रिसेस, स्पिनो एथमोइडल रिसेस एथमोइडल रिसेस ठीक स्पिनो रिसेस ठीक रिसेस स्पिनो एथमोइडल रिसेस का होता है यहां सुपीरियर टर्मिनेट के ऊपर का जो एरिया होता है इसमें क्या ओपन होगा स्पिनोइड साइनस, इसमें ओपन होता है क्या कौन कौन ड्रेन करता है स्पिनोइड क्या करे कौन सा साइनस स्पिनोइड साइनस, इसमें ड्रेन करता है स्पिनोइड साइनस ठीक है, स्पिनोइड साइनस इसमें ड्रेन कर गया ठीक है। ये हो गए क्या है? इसकी चार स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो गए, कोंका हो गया, मिएटस हो गया, एसीआर हो गया, इसके अलावा इसमें कोयना होता है, कोयना जो क्या पोस्टीरियर ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की, कोयना क्या होता है कोयना, ये क्या होती है ये होती है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी मिडिल मिएटस में और क्या क्या ड्रेन होता है मैग्जिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एंटीरियर एथमोइडल ईयर साइनस, ये क्या होते हैं ड्रेन होते हैं, ये क्या ओपन होते हैं मिडिल मिएटस में, ये जो मिडिल मिएटस है इसमें क्या क्या ओपन होता है, इसमें ओपन होता है चार, एक तो फ्रंटल साइनस, एंटीरियर एथमोइडल ईयर साइनस और मैग्जिलरी साइनस ठीक है, मैग्जिलरी साइनस एक तो होगा मैग्जिलरी साइनस एक फ्रंटल साइनस और एक है एंटीरियर एथमोइडल ईयर साइनस, ये कहां ओपन होते हैं मिडिल मिएटस में ओपन होते हैं। तो ये हो गई हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज की बात ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ नोज में इतना ही पढ़ना है आपको, प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।